गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, भारतीय ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर मैं हिमांशु शर्मा आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे कैंसर, जिसमें हमने कैंसर की डेफिनेशन देखी, कैंसर के प्रकार देखे, कैंसर के कारण, उसका निदान और उसका उपचार पे डिस्कस किया था। आज का जो अपना टॉपिक है वो है एलर्जी। तो शुरू करते हैं। बेसिकली एलर्जी मीन्स हाइपर सेंसिटिविटी, यानी अगर किसी भाग में अति संवेदनशीलता उत्पन्न हो, मतलब किसी भी तरह का बाह्य घटक अगर शरीर के किसी हिस्से को बहुत ज़्यादा प्रभावित करे, तो इस स्थिति को अपन एलर्जी कहते हैं। मोस्टली एलर्जी जो शब्द काम में लिया था सबसे पहले, वो एक साइंटिस्ट थे, पियर क्वेट, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है पीर क्वेट। इन्होंने सबसे पहले एलर्जी शब्द का यूज़ किया था। फिर देखते हैं अपन, जिन कारकों के द्वारा एलर्जी उत्पन्न होती है उन कारकों को एलर्जन कहते हैं, यानी एलर्जी उत्पन्न करने वाले कारक एलर्जन कहलाते हैं। एलर्जन कौन कौन से हो सकते हैं? तो एलर्जन के अंदर कार्बन के कण, पराग कण समझ गए आप, पुष्प जो फूल होता है, फूल के जो ग्रेन्स होते हैं, जो नर युग्मक होते हैं, उनको बोलते हैं पराग कण। तो वे पराग कण, धूल कण जो देखा होगा आपने बाहर ट्रैफिक में, डस्ट सड़कों पर उड़ती है, मिट्टी, उसको बोलते हैं धूल कण। तो वो धूल कण और कुछ प्रोटीन, जैसे मछली प्रोटीन के रूप में भोजन में काम में ली जाती है, अंडा, इसमें भी प्रोटीन है। तो ये कुछ खाद्य पदार्थ हैं जो मूल रूप से एलर्जी को जनरेट करते हैं, तो ये एलर्जन हो गए। अब इसकी डेफिनेशन क्या बन गई, देखो परिभाषा क्या बनी, कि कुछ पदार्थों के प्रति शरीर विशेष प्रकार से संवेदनशीलता दर्शाता है, मतलब बहुत ज़्यादा उनके प्रति अभिक्रिया दर्शाता है, और इस अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं, एलर्जी कहते हैं। इसके जो सिम्टम्स हैं, इसके जो लक्षण हैं, उन लक्षणों के अंदर क्या होगा,
जैसे किसी घटक के संपर्क में, जैसे किसी व्यक्ति विशेष को किसी पर्टिकुलर जैसे गुलाब के फूल से एलर्जी है, तो जैसे वो गुलाब के फूल के संपर्क में गया तो क्या क्या सिम्टम जनरेट होंगे, उसको लगातार छींकें आने चालू हो जाएगी, उसकी आँखों से पानी आना चालू हो जाएगा, आँखें लाल होने चालू हो जाएगी, पूरे शरीर के ऊपर जलन या खुजली हो सकती है और बार बार इरिटेशन चिड़चिड़ाहट उत्पन्न होती है। ये एलर्जी के मुख्य लक्षण होते हैं। फिर अपन बात करते हैं एलर्जी कोशिकाओं के। एलर्जी की स्थिति के अंदर जो शरीर के अंदर मास्ट कोशिकाएं होती है, जिनके द्वारा हिस्टेमिन एक रासायनिक पदार्थ है, सुनना आप गौर से, हिस्टेमिन ये वो रसायन है जो मास्ट कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित होता है, तो ये जो रसायन होता है ये निष्क्रिय रूप से शरीर में पाया जाता है। कब? एलर्जी से पहले। और क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं हिस्टिडीन। ये इसकी कौन सी अवस्था है? ये इसकी निष्क्रिय अवस्था है। और इसी का सक्रिय अवस्था कौन सी होती है? हिस्टामिन। तो जैसे ही हिस्टिडीन सक्रिय अवस्था में आता है तो जो भी लक्षण बताए थे मैंने आपको, आँखों में पानी आना, आँखों का लाल हो जाना, खुजली, जलन, ये सिम्टम्स जनरेट होते हैं। इसके साथ साथ जो मास्ट कोशिकाएं होती है वो हिस्टेमिन के अलावा एक और रसायन है सीरेटोनिन का भी स्त्रवण करती है और ये भी उपरोक्त प्रक्रियाएं दर्शाता है। भोजन से होने वाली एलर्जी से जो रसायन निकलता है वो रसायन सीरेटोनिन को एक्टिवेट करता है। इसके कारण क्या क्या होता है? पेशी संकुचन की प्रक्रिया बढ़ती है। पेशी संकुचन मतलब अंगों का सिकुड़ना, खिंचाव उत्पन्न होना, और साथ साथ में कोशिकाओं की पारगम्यता मतलब कोशिका के द्वारा पदार्थों का अंदर आना और अंदर से बाहर जाना जैसी अभिक्रियाओं की रेट में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो ये इसका इफेक्ट है और इससे बचने के लिए एंटी हिस्टेमिन या एंटी सीरोटोनिन जैसे रसायनों का प्रयोग करके या स्टेरॉइड वैसे तो शरीर के लिए घातक होते हैं लेकिन कुछ रोगों के उपचार के लिए इनको प्रयुक्त किया जाता है, वो भी केवल चिकित्सक की देखरेख में। तो स्टेरॉइड जैसे रसायनों का प्रयोग करके एलर्जी से मुक्ति पाई जा सकती है। एलर्जी से जो उपचार है, एलर्जी का जो बचाव है, एलर्जी का जो ट्रीटमेंट है, वो वास्तव में एलर्जन से दूर रहकर ही किया जा सकता है। तो सीधी सी एक कहावत बनी हुई है कि बचाव ही उपचार है। अगर एलर्जन कारकों से दूर रहेंगे तो ही एलर्जी से बच सकते हैं। कि परिभाषा देखी, एलर्जन देखे, फिर आपने ये देखा कि कौन कौन से रसायन हैं जिनके द्वारा एलर्जी उत्पन्न होती है। तो एलर्जी में आपने देखा कि एलर्जी का जो रीज़न है वो मास्ट सेल से निकलने वाला रसायन कौन सा? हिस्टामिन और सीरोटोनिन है। फिर अपन ने देखा कि ये मोस्टली मानव में होने वाला रोग है। फिर अपन ने देखा कि इसके जो कारक थे यानी जिनके द्वारा एलर्जी होती है उनको अपन कहते हैं एलर्जन, जिसमें हमने देखा था इसके एग्जांपल जैसे फूड कंटेंट थे। फूड कंटेंट कौन से थे? भोजन वाले मछली और अंडा ऐसे पदार्थ हो गए। फिर कुछ मेडिसिन से भी एलर्जी होती है लोगों को, धूल मिट्टी, फूल, सुगंध यानी कोई भी तेज स्प्रे सेंट वगैरह होता ना ये। फिर अपन ने पोलन ग्रेन देखे थे, परागकण देखे थे, वो भी इसको रसायन क्या करते हैं? एलर्जी उत्पन्न करते हैं। फिर कई लोगों को धूप से एलर्जी होती है, कई लोगों को ऊनी कपड़ों से एलर्जी होती है या प्लास्टिक चमड़े के कपड़ों से एलर्जी होती है, तो ये भी एक एलर्जी का टाइप है। कई लोगों को सर्दी में ज़्यादा दिक्कत होती है, कईयों गर्मी में ज़्यादा दिक्कत होती है, तो ये सारे एलर्जी के इफेक्ट का रीज़न है। तो इन्हीं को क्या कहते हैं? एलर्जन कहते हैं। तो ये सारे क्या हैं? एलर्जी के रीज़न होते हैं, इन्हीं को एलर्जन कहते हैं। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि एलर्जन के इफेक्ट से जैसे बॉडी में एलर्जन जनरेट होते हैं या एलर्जन ट्रांसमिट होते हैं बॉडी में, तो उसके कारण क्या होता है? एक विशिष्ट प्रकार की एंटीबॉडी जिसे अपन कहते हैं IgE एप्साइलॉन। IgE मतलब क्या हो गया? इम्यूनोग्लोबुलिन एप्साइलॉन। ये जो एंटीबॉडी है ना, ये एंटीबॉडी बनने लग जाती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एलर्जी में कौन से टाइप की एंटीबॉडी बनती है, तो IgE टाइप की एंटीबॉडी बनती है। तो ये था अपना एलर्जन। तो ये रोग मूल रूप से उन लोगों में ज़्यादा होता है जिनके अंदर इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा कम होती है, और ये जो रोग होता है ये वंशानुगत भी होता है, यानी अगर किसी माता पिता को रोग है तो उसके संतान में भी ये रोग की हेरिडिटी या वंशानुगति हो सकती है। तो ये था अपना एलर्जी रोग जो हमने कंप्लीट किया। तो नेक्स्ट डिजीज़ है वो है अस्थमा।
एक्चुअल में जो अस्थमा रोग होता है यह इसका जो मुख्य कारण है वो है श्वास की जो ब्रोंकियोल्स होती है, यानी ब्रोंकियोल्स मतलब श्वास नलिका, इस श्वास नलिका में संकुचन हो जाता है। और संकुचन के कारण क्या होता है, रोगी अच्छी तरह सांस नहीं ले सकता, उसे सांस लेने में तकलीफ़ होती है, जकड़न महसूस होती है। श्वास के कारण क्या होता है, जो सांस लेने पर बहुत तेज़ दर्द होता है, खांसी आती है, और खांसी में भी क्या होती है, सीटी बजने जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये इसके कारण ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं। असल में जो 30 वर्ष से कम लोगों के अंदर ये जो रोग उत्पन्न होता है, इसका मूल कारण होता है वो होता है एलर्जी या अति संवेदनशीलता। और मूल रूप से जो एलर्जी होती है वो होती है पराग कणों के कारण होती है। और जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं, लगभग 50 साल से ऊपर के लोग, उनके अंदर जो ये श्वसन संबंधित रोग अस्थमा उत्पन्न होता है, उसका जो मूल कारण होता है वो होता है कि वातावरण में जो धूल मिट्टी होती है, वातावरण की अंदर जो पराग कण होते हैं, वातावरण के अंदर जो धुआं होता है, उस धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड, उस धुएं में सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर के कण, ये जो कण होते हैं ये मूल रूप से 50 से ऊपर के उम्र के लोगों के अंदर दमा उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब इस रोग के जो मुख्य लक्षण हैं वो लगभग एलर्जी के समान ही है, मतलब सांस लेने की तकलीफ चालू हो जाएगी, सांस ईजिली नहीं आ पाएगा, खांसी होगी, उसमें जकड़न होगी, बार बार सीने में जलन चालू होगी, सीटी बजने की ऐसी आवाज़ आएगी, फिर धीरे धीरे रोगी की स्किन के ऊपर, त्वचा के ऊपर लाल रंग के चकते बन जाते हैं, फिर उसके बाद में त्वचा पर खुजली, जलन ये होने लगते हैं, लंबे समय तक जुकाम बना रहता है, बार बार छींके आना, ये सारी चीज़ें उससे लक्षणों के अंदर सम्मिलित हैं। और इससे बचने के लिए वही एलर्जी वाला ट्रीटमेंट है कि जिस कारकों से ये उत्पन्न होता है उन कारकों से दूर रहा जाए, यानी बचाव ही उपचार है, एलर्जन से दूर रहकर एलर्जी या श्वास या दमा से बचा जा सकता है। और इसके लिए इलाज के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी होता है कि ये दमा मूल रूप से किस कारण से उत्पन्न हो रहा है, कौन से रसायनों के द्वारा उत्पन्न हो रहा है या किस भौतिक कारक से द्वारा उत्पन्न हो रहा है, तो उसका उचित निस्तापन जरूरी है। और इसके अलावा औषधियों के अंदर एंटी हिस्टामिन, एड्रेनालिन, स्टेरॉयड, ये वो औषधियाँ हैं जो इसके प्रभाव को कम करती है। आजकल मार्केट में दमे के उपचार के लिए इन्हेलर का प्रयोग करते हैं, आपने देखा होगा कई लोग मुंह पर पंप लगाकर खींचते हैं, तो वो इसके इलाज का एक सर्वोत्तम तरीका है, क्योंकि वो मेडिसिन तुरंत ही सीधे श्वास नली के अंदर जाकर उसकी मांसपेशियों को शिथिल कर देती है, जिसके द्वारा जो उसमें खिंचाव होता है वो कम हो जाता है और आसानी से श्वास आने लग जाता है। तो ये था श्वसन संबंधित रोग दमा। अब शुरू करते हैं अगला रोग जो है हाइपरटेंशन, अति रक्तदाब, मतलब उच्च रक्तदाब। आपने नाम सुना होगा बीपी हाई होना, बीपी लो होना, तो ये अपन आज वही पढ़ रहे हैं, हाई बीपी मतलब रक्त का दाब बढ़ जाना। तो रक्त का शरीर में एक निश्चित दाब होता है, जो अपन ने परिसंचरण वाले चैप्टर में पढ़ा है कि रक्त का जो प्रेशर होता है, औसत रक्त का प्रेशर वो होता है प्रकुंचन के समय होता है 120 mm प्रति hg।
ये इसका मान है, और अनुशीतलन के समय 80 mm ऑफ Hg, ये स्टैंडर्ड, ये एक वयस्क के लिए मानक है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो रक्त दाब में थोड़ा बहुत परिवर्तन आता रहता है, तो अगर इससे ज़्यादा दाब बनता है तो उसे उच्च रक्तदाब की श्रेणी में शामिल किया जाता है। लेकिन खास बात क्या है, इसमें आयु का निर्धारण किया जाता है, आयु के अनुसार रक्तदाब अलग अलग होता है। तो जब धमनी रुधिर का प्रकुंचन दाब, जो प्रकुंचन दाब है वो अगर 140 mm ऑफ Hg या उससे ज़्यादा, और अनुशीतलन दाब होता है वो अगर 80 mm ऑफ Hg से ज़्यादा रेगुलर बना रहे, तब इस स्थिति को क्या कहते हैं, उच्च रक्तचाप कहते हैं। तो मानक दाब कितना था, 120/80 mm ऑफ Hg था, लेकिन अगर उसमें इस टाइप से इंक्रीमेंट हो और ये लॉन्ग टाइम तक ड्यूरेशन बना रहे तो इसको क्या कहते हैं, उच्च रक्तदाब कहा जाता है। तो ये अपन एक वयस्क व्यक्ति के लिए बात कर रहे हैं। तो जब उच्च रक्तदाब उत्पन्न हो जाता है तो उसके कुछ दुष्प्रभाव या घातक परिणाम होते हैं, और वो दुष्प्रभाव या घातक परिणाम कौन कौन से हैं, तो वो देखिए सबसे जो बड़ा कारण होता है रक्तदाब अधिक होने का, वो है हार्ट फेल्योर, हृदयपात, फिर ब्रेन स्ट्रोक, मस्तिष्क आघात, ब्रेन के अंदर क्लोट आ सकता है जिससे कोमा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लकवा उत्पन्न हो सकता है, ये इसके कारण होते हैं। और उच्च रक्तदाब के कारण किडनी डैमेज होती है, क्योंकि किडनी के अंदर जैसे तेज़ी से रक्त जाएगा तो किडनी के जो नेफ्रॉन होते हैं, जो ब्लड को फिल्टर करने वाले होते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, और इसके कारण किडनी रक्त को फिल्ट्रेट नहीं कर पाती है और कई तरह की समस्याएं, कई तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये इसकी घातक समस्याएं थी। फिर बात करते हैं हाइपरटेंशन के लक्षण। तो इसके लक्षणों के अंदर क्या होता है, सिर में तेज़ दर्द, सिर के बीचों बीच यहाँ दर्द चालू होगा, साथ में धीरे धीरे पसीना चालू होता है, बेचैनी, घबराहट, चक्कर आना, आँखों का लाल हो जाना, शरीर के तापक्रम में वृद्धि, ये उच्च रक्तदाब के मुख्य लक्षण हैं। बार बार जीभ का सूखना, ये इसके मुख्य लक्षण हैं। इसके उपचार के लिए खान पान का ध्यान रखना है, तली भुनी चीज़ें, मसालेदार भोजन, ये उच्च रक्तदाब को बढ़ाता है। हाई कोलेस्ट्रॉल फूड मूल रूप से शरीर के लिए नुकसानदायक होता है और ये उच्च रक्तदाब का एक कारण भी होता है। चिकित्सक की देखरेख में इसके जो अपना रोग है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, जो हमने कहाँ पढ़ा था, परिसंचरण वाले चैप्टर में पढ़ा था,
तो ये रोग शुरू करते हैं। इस रोग का जो मुख्य कारण होता है वो होता है कोरोनरी धमनियाँ जो होती है हृदय की, उनके अंदर रक्त आपूर्ति अचानक कम हो जाती है, जिसके कारण जिस हिस्से में, जिस पेशियों में, जिस भाग में रक्त नहीं पहुँचेगा वहाँ रक्त के बिना ऑक्सीजन भी नहीं पहुँच पाती, और ऑक्सीजन भी नहीं पहुँच पाती तो क्या हो जाएगा, वहाँ की मांसपेशियाँ काम करना बंद कर देती है या निष्क्रिय हो जाती है, और इसी के कारण हृदय में तेज दर्द चालू होता है, जिसे वर्तमान में हार्ट अटैक का कहा जाता है। तो ये किस कारण से हुआ कि जब पर्टिकुलर हार्ट को ऑक्सीजन या पेशियों को, हृदय की पेशियों को ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती। फिर आगे बात करते हैं, इसका जो कारण होता है वो कारण है कि ये जो हृदय की जो धमनियाँ नलिकाएँ होती है, उन नलिकाओं में अगर क्लोट बन जाए, थक्का बन जाए, या कोई रासायनिक पदार्थ या कोलेस्ट्रॉल का कारण या दूसरे पदार्थ यहाँ इकट्ठे हो जाए, तो उत्पन्न होता है, या फिर जो रक्त की कोशिकाएं होती है उनकी अति सक्रियता हो और अति सक्रियता के कारण वो वहाँ इकट्ठी होकर गुच्छा बना लेती है, इस कारण से भी ये रोग उत्पन्न होता है। और या फिर वाहिकाओं के अंदर, रक्त वाहिकाएं होती है उनके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस यानी उनके अंदर तन्यता, जो लचीलापन है वो अगर ख़त्म हो जाए तो भी क्या होता है, यह रोग उत्पन्न होने की संभावना होती है। अब इस रोग के जो मुख्य लक्षण हैं, उन लक्षणों के अंदर सीने के अंदर बहुत तेज़ दर्द होता है जो लगभग आधे घंटे या उससे अधिक देर तक बना रहता है। इसी के साथ रोगी को जी घबराता है, उसको उल्टी करने की इच्छा होती है, उल्टी हो भी जाती है और सांस लेने में तकलीफ़ होती है। धीरे धीरे ये जो दर्द है ये पूरे शरीर के अंदर फैलने लगता है, और तेज़ स्थिति होने पर, उपरोक्त स्थिति अगर तेज हो जाएगी तो अचानक हार्ट फेल होने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है।
तो ये था हृदय पेशी रोद गलन। तो ये थी अपना आज का टॉपिक। तो आज के टॉपिक में हमने क्या क्या देखा, एलर्जी के ऊपर डिस्कस किया, फिर हमने अस्थमा के बारे में जानकारी ली, फिर हमने हाइपरटेंशन यानी अति रक्तदाब को देखा, और फिर हमने हृदय पेशी रोद रोग गलन जो कि वास्तव में हृदय रोग है उसके बारे में अध्ययन किया। तो ये था अपना आज का टॉपिक। तो फिर मिलते हैं।